वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्माण योग साध संगत जी, सो आओ सब तो पहला आप जी दे चरणा दे विच बेनती है। धन गुरु रामदास जी चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो, बैल आइकन भाव घंटी नूं दबा लवो, जिस नाल साडी हर नवी वीडियो सब तो पहला तुहाडे तक पहुँच जाएगी। वीडियो शेयर करना ना भुलना, तां जो होर भी संगतां दा भला हो सके। गल सारी नजरिए दी हुंदी है, चाहे देखण समझण दे विच किसे नूं चमत्कार लगे जां फिर किसे नूं ढोंग, आपो अपने नजरिए दी गल है। बलविंदर सिंह ढिल्लो मोहाली दे विच रहिंदे ने। बलविंदर सिंह खुद SBI बैंक दे विच नौकरी करदे ने। जिंदगी दा समा कदों बदल जांदा है यह कोई भी नहीं जानदा। कखों लख ते लखों कख बनाउण दे विच ओह परमात्मा समा नहीं लगाउंदा। बलविंदर सिंह दसदे ने कि कुछ अजिहा ही मेरी जिंदगी दे विच होया। जदों मैं 2007 दे विच SBI नौकरी ज्वाइन कीती, इंज लग्या कि सरकारी नौकरी मिल गई है तां जिंदगी विच हुण किसे चीज़ दी लोड़ नहीं। मैं कल्ला ही राजा हाँ। नौकरी वधिया चलदी रही ते मेरा विआह 2009 दे विच परिवार वलों कर दिता गया। विआह होया ते जुम्मेवारियां वध गईयां, पर कुछ समय बाद साडे घर दे विच कुछ अजिहा होया जिस बारे आपां कदे सोचिया भी नहीं सी। एक दिन मैं दफ्तर जा रहा सी कि एक मदबुद्धी लड़के ने मेरी पिछों कमीज खिंची। एक दम कमीज खिंचण दे नाल मैं डर गया। उस लड़के ने कुछ बोलिया नहीं, सिर्फ इशारियां दे विच कुछ खाण दे लई देण वास्ते कहा। हैरानी दी गल तां इह सी कि उसने पैसे नहीं मंगे। मैं अग्गे ही बहुत गुस्से दे विच सी तां मैं उसनूं धक्का मार के सुट दिता। डिगण दे कारण उस लड़के दे सट लगी, उसदे पैर दे विचों थोड़ा थोड़ा खून निकल लग्या। इन्ने नूं इक होर लड़का जिसने उसनूं आके चुकिया, ओह भी देखण दे विच मदबुद्धी ही लग रहा सी। मैं देखिया कि दूसरे लड़के ने मिट्टी दा बुक भर के उसदी सट दे उत्ते ला दिता जिथों खून निकल रहा सी। ओह दोवें उठे ते मेरे वल देख के मुस्कराए ते उत्थों चले गए। उस वेले तां इह गल मेरे लई एक आम जिही सी ते ना ही कुछ खास असर इस गल दा मेरे उत्ते होया। उस तो बाद कई वार ओह लड़के मैनू रास्ते दे विच मिले, पर मेरे कोलों हस के लंघ जांदे, पर मेरे कोलों कुछ भी मंगदे नहीं। समा पिया ते मेरी नौकरी दौरान मेरे ते कुछ भ्रिष्टाचार दे इल्जाम लगे जो कि मैं नहीं किते सी। बड़े अफसरां दी गल ना मनन दा नतीजा मैनू मिल रहा सी ते नौकरी तो मैनू सस्पेंड कर दिता गया। असल दे विच मेरी नौकरी जा ही चुकी सी। हौली हौली मेरे माता पिता मेरी टेंशन दे विच ही इस दुनिया तो चले गए। मैं ते मेरी पत्नी इकल्ले ही रह गए। सानू थोड़ा ही समा होया सी घर बनाया नू जो कि आपां लोन लैके बनाया सी। हुण इस तो बाद आपां करजे दे हेठां भी आ चुके सी। टेंशन रातां नू सौण नहीं दे रही सी। उपरों साडे घर कोई औलाद भी नहीं सी। कुछ महीनों बाद मेरी पत्नी भी पेके चली गई क्योंकि कर्जे वाले तंग परेशान करन घर आउण लगे। जिंदगी ने हुण मैनू
बिल्कुल ही इकला कर छड़िया सी। आखर ओहो पल आया जिथे हर कोई आके हार जांदा है। घर दे उपर बैंक दा करजा सी ते मैं आत्महत्या करन वास्ते नहर दे उपर पहुंचिया। हुण ना ही ते माता पिता सी ते ना पत्नी, औलाद तां पहला ही नहीं सी, ते फिर मैं जी के भी की करना सी। शाम दा समा सी ते मैं नहर दे विच डुबण दी तैयारी कीती। नेड़े दे किसे पिंड दे विच रहराज साहिब दा पाठ चलिया ते इकदम मेरा मन बदल गया। जदों उथों मुड़न लग्या तां मैं देखिया ओह दोनों मदबुद्धि लड़के उथों लंघ रहे ने। उदों उहनां ने एक एक रोटी अपने हाथ दे विच फड़ी होई सी ते दोनों बहुत खुश ने। मैनूं रोटी दिखा के उहनां ने इशारा करके पुछिया कि तुसीं रोटी खाणी है। यह सब देख के मेरी अखां दे विच पानी आ गया ते जिंदगी दा असल सच परमात्मा ने मेरे सामने लिया के खड़ा कर दिता। सो आखिर बैंक दे करजे तो बचन लई मैं दरबार साहिब चला गया ते सारी उम्र उत्थे ही रह के सेवा करन दा सोचिया। सेवा दा चोला धारण किता ते लंगर दे विच सेवा करन लग्या। 6 महीने सब कुछ भुल के सेवा करदा रहा ते बाहर जिथे भी जगह मिलदी उत्थे ही सो जांदा। एक दिन सवेर दे लंगर दा टाइम सी ते मैं लंगर वरता रहा सी ता उत्थे दो मदबुद्धि लड़के जो कि सिख सन ओह लंगर दी पंगत दे विच आके बैठ गए। मैं उस समय खीर वरता रहा सी। उन्हां कोल पहुंचिया ता उन्हां ने थाली दे विच उंगल मार के खीर पाउण वास्ते कहा। मैं एक डोरी खीर दी पा दिती ते अगे जान लग्या ते अचानक ही उस लड़के ने दोबारा उंगली मार के मैनू खीर पाउण वास्ते कहा ते मैं दूजी वार फिर खीर पा दिती। जदों तीसरी वार भी उस मदबुद्धि लड़के ने मैनू खीर पाउण वास्ते कहा ता मेरे मन दे विच आया कि इत्थे ही थोड़ी सारी खीर खत्म करनी है। होर भी लोग ने इत्थे जो बैठे ने। मैं उस लड़के दी गल नूं इग्नोर करके अग्गे जाण लग्या तां एक बजुर्ग सेवादार दी आवाज आई कि इह गलती दुबारा ना करी। जिन्नी वार ओह लड़का कहिंदा है ओनी वार ही उस नूं खीर खवाओ। उस लड़के ने 4 वारी उंगली मारी ते मैं उस नूं 4 वारी ही खीर पाई। इंज ही दूसरे मदबुद्धि लड़के ने कीता। खीर खवाउण तों बाद ओह दोनों उसी तरह मुस्कुराए जिवें मोहाली वाले लड़के मुस्कुराउंदे सी। मेरे नाल जो भी हो रहा सी ओह मैनू समझ आ चुकिया सी। पर यह नहीं पता सी कि यह सब कुछ ठीक कदों होवेगा। फिर एक दिन मैं सरोवर दे किनारे घूम रहा सी कि मैनू चक्कर आए ते मैं उत्थे ही डिग पिया। मैनू उत्थे किसे ने नहीं देखिया ते जदों मैनू होश आया ते उदों तक हनेरा हो चुकिया सी। मैं उठ के जान लग्या तां मैनू बहुत सारे घोड़ियां दियां आवाज़ां सुनाई दित्तियां। एक तेज प्रकाश दे विचों सिंघ निकल रहे सी। एक वार तां मैं डर गया ते उत्थे ही किते लुक गया। एक सिंघ ने आवाज़ मार के कहा कि बलविंदर सिंह लुकिया नहीं करदे, जप साहिब जी दा पाठ करिया कर ते दसवंत कढ़ना शुरू कर दे। ते फिर ओह सारे तेज प्रकाश दे विच गायब हो गए। पर उस प्रकाश दे विच मैनू दोनों लड़के दिखाई दिते जो मैनू लंगर दे विच मिले सी ते मेरे वल देख के ओह मुस्कुरा रहे सी। ओह लड़के उन्हां सिंघां दे नाल की कर रहे सी ते उस प्रकाश दे विच किथे गायब हो गए।
मैं यह गल अज तक नहीं समझ सकया। ते दूजी गल यह भी सी कि उन्हां सिंघां ने मैनू दसवंद कढ़न लई क्यों कहा, क्योंकि मैं तां कोई नौकरी नहीं करदा सी, ते फिर दसवंद कित्थों कढ़दा। उस तों बाद मैं लंगर दे विच ही सेवा करदा रहा। 5 नवंबर 2010 दी गल है, जदों मेरे दफ्तर दा एक बंदा दरबार साहब मैनू मिलिया। उसने मैनू मिलके दस्या कि उसकी भाल काफी समय तो चल रही है, क्योंकि उसके उत्ते लगे हुए सारे इल्जाम माफ कर दिते गए, ते उसने नौकरी दौरान ज्वाइन करन दे हुक्म भी सरकार वालों द्वारा दिते गए सी। मैं बहुत हैरान होया कि यह किवें हो गया। सो अगले कुछ दिनों पिछों मैं वापस मोहाली जाना सी, ते एक रात जदों मैं सो रहा सी ते ओह दोनों मद बुद्धि लड़के मेरे कोल आए, ते कहन लगे कि अपने दर तों किसे भी लोड़वंद नूं भुखा ना मोड़ी। गुरु साहब जी दा हुक्म मन्नी उस रात गुरु साहब जो हुक्म दे के गए सी। मैं बहुत हैरान होया कि मैं उस रात गुरु साहब की आवाज नूं ना समझ सकिया, ते उस तों भी हैरानी दी गल ए सी कि ओह दोनों मद बुद्धि लड़के बोल नहीं सकते सी, ते उन्हां ने ही यह सब कुछ मैनू किवें बोल दिता। मैं जदों मोहाली आया तां मैनू नौकरी मिली, करजा भी हौली हौली उतार दिता, घर भी अपना वापिस लै लिया, ते मेरी पत्नी भी वापिस घर आ गई। मेरे घर दे विच दो लड़कियां ने जन्म लिया, ते हुण सब कुछ ठीक है। अपनी जिंदगी तो मैं यही ही सिखिया है कि अपने आप नूं कदे भी उच्चा ना समझो। अपने दर ते आए भुखे लोड़वंद नूं कदे भी खाली हाथ ना मोड़ो। यही साडी सिखिया दा असूल है। किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। इस तरह की वीडियो देखने दे लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो, ते वीडियो नूं वद तो वद शेयर करियो। नवी वीडियो लैके जल्दी ही आवांगे। उदों तक दे लई वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।